मध्य प्रदेश से खबर है जहां बुरहानपुर से जानकारी मिल रही है कि आर्मी की स्पेशल ट्रेन को डीरेल करने की साजिश नाकाम हुई है। डेटोनेटर लगा करके ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई। ट्रैक पर 10 डेटोनेटर लगा करके ट्रेन को डीरेल करने की यह खबर सामने आ रही है। सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस, रेलवे के ऑफिसर मौके पर है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन यह बड़ी खबर है। 10 डेटोनेटर लगा करके ट्रेन को डीरेल, वो भी आर्मी की स्पेशल ट्रेन को डीरेल करने का मामला, ये वाकया सामने आ रहा है। इस पूरे मामले पर छानबीन जारी है। छानबीन करने के लिए मौके पर सुरक्षा एजेंसी, पुलिस और रेलवे के ऑफिसर मौजूद हैं, जहां ये जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि डेटोनेटर, वो भी जिनकी संख्या 10 है, उसे पटरी पर रखा गया। ये क्लियर कट साजिश है। अब इसके पीछे कौन हो सकता है, बता दें आपको, डेटोनेटर आतंकी घटनाओं में इस्तेमाल होने वाला डेटोनेटर नहीं था, बल्कि रेलवे में रेगुलेटर इस्तेमाल होने वाला, रेगुलर इस्तेमाल होने वाला, जो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है डेटोनेटर, वो था। ट्रेन के लोको पायलट को अलर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। इस घटना में डेटोनेटर रेलवे की ओर से नहीं रखा गया और ना ही रखा जाना था, ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, लेकिन बदमाशों ने कहीं ना कहीं से रेलवे के ही एक्सपायर्ड डेटोनेटर को हासिल किया और 18 सितंबर को पटरी पर रख दिया। अब आप इसे क्या कहेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके का डेटोनेटर है वो रेलवे के लिए इस्तेमाल किया जाता है पायलट को अलर्ट रखने के लिए, लेकिन इस डिवाइस को रखा गया जो एक्सपायर हो चुके हैं, वो रेलवे से ही लेकर के इन पटरियों पे जगह जगह रखे गए। एक नहीं 10 थे ये डिवाइस जिनको यूज किया जाता है, रेलवे भी यूज करता है, लेकिन वो एक्सपायर्ड थे। 10 की संख्या बताई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन्हें रखने वाला कौन, किसके हाथ लगे रेलवे के ये डेटोनेटर, ये बड़ा मामला है। और बार बार इस तरीके के मामले में एक और मामले की बढ़ोतरी कह सकते हैं आप, एक और नाम जुड़ गया, एक और तरीके की शरारत या साजिश जिसमें नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कहीं सिलेंडर खाली तो कहीं भरा हुआ, कहीं छोटा तो कहीं डेटोनेटर, इसका वाकया भी सामने आया, ये नया नाम भी सामने आया है। और इसी तरह देखिए, यूपी के कानपुर से भी बड़ी खबर मिलती है, जहां प्रेमपुर में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला है। ट्रैक पर छोटा गैस सिलेंडर रखा गया था, लेकिन जिस तरीके से पटरी पर रखा गया था, आप इन तस्वीरों को देखिएगा, आपको भी अंदाजा लगेगा कि ये किस तरीके की साजिश है, ये किस तरीके की हरकत है, जहां रेलवे के ट्रैक पर ऐसे सिलेंडर को रखा गया। देख रहे हैं आप, दोनों पटरियों के बीच में सिलेंडर को कुछ इस तरीके से रखा गया है। पायलट की सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगा दी गई, ये मालगाड़ी थी। लेकिन कुल मिलाकर के इस तरीके के घटनाक्रम को आप जोड़ करके देखिए तो पिछले कुछ वक्त से ये एक दो नहीं कई मामले, और उसमें भी अब अलग अलग वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। कानपुर में ही जब सिलेंडर मिला था तो वो बड़ा सिलेंडर था, उसके साथ कुछ बोतल मिली थी, सफेद रंग का पाउडर मिला था, केमिकल मिला था। और आज ये घटना भी सामने आई है तड़के सुबह की, जहां सिलेंडर को पटरी पे कैसे रखा गया, आप देखिए ये तस्वीर भी आई है कानपुर से। पिछली बार का वाकया भी सिलेंडर वाला कानपुर का था, तो हो क्या रहा है, ये बड़ा सवाल आम लोगों के जहन में उठ रहा है। अब ये सिरदर्दी की वजह ना हो तो क्या हो, कि बताइए आप पटरी पर जगह जगह इस तरीके से चीजों को रखा जाए, इस तरीके की चीजों का मिलना, इस तरीके से उनको अलाइन करना, इस तरीके से रखना, आए दिन जिस तरीके के पटरी को, ट्रेन को डिरेल करने के लिए कोशिश की जा रही है, कहीं प्लेट्स और चाबियां मिलती हैं, पिछले ही दिनों की बात है, और आज सिलेंडर मिला है। तो कानपुर का ये रेलवे ट्रैक जो आप देख रहे हैं, इस पर सिलेंडर रखा गया है, ये सिलेंडर रखा गया, और अब यहां पर जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है पिछले वाक्यों की तरह कि आखिरकार ये सब कर कौन रहा है।